क्या अब वाकई ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कथित रूप से पार्टी पर एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय आड़े आ जाएंगे? आप सोचेंगे कि वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन याद रखिए, व्यक्ति मरता है, विचार नहीं। ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी शाह ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के संस्थापक ही उनके लिए समस्या बनने लगे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे दीनदयाल उपाध्याय ने कथित रूप से मोदी शाह के पार्टी पर एकाधिकार को रोकना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिलहाल पार्टी के अघोषित हाईकमान हैं। इनकी मर्जी के बिना केंद्र ही नहीं राज्य में भी पत्ता तक नहीं हिलता। राज्यों और राज्यों के माध्यम से केंद्र की सत्ता पर आसीन होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही तकनीक अपना रहे हैं जिनकी खिलाफत दीनदयाल उपाध्याय किया करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बड़े राजनीतिक चिंतक थे, आरएसएस के स्वयंसेवक थे और जनसंघ के संस्थापक भी। वही जनसंघ जो बाद में नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। उन्होंने जिन विचारों से पार्टी को सींचा था वो विचार दफना दिए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कथित रूप से पार्टी में तानाशाही रवैये के कारण अपनाए गए मध्य प्रदेश और राजस्थान मॉडल ने फिर से उन विचारों को चर्चा में ला दिया है। ये विचार कांग्रेस नहीं बल्कि खुद भाजपा के लोग ही खोद कर लाए हैं। कर्नाटक में भाजपा को मिली जबरदस्त हार के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भाजपा हाईकमान को यह ताकीद कर दिया था कि अब चुनावों में मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात नहीं बनेगी। अब ये मुद्दे पराभव की ओर बढ़ गए हैं। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि चुनावों के लिए क्षेत्रीय नेताओं की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑर्गेनाइजर में लिखे आरएसएस के विचार मोदी शाह को शायद पसंद नहीं आए। उन्होंने हाईकमान को क्षेत्रीय क्षत्रपों से भी ऊपर दिखाने की कोशिश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जमींदोज हो चुके विचारों को फिर से खाद पानी दे दिया। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जमींदोज किए गए विचारों की पौध फूटकर बाहर आ गई है और मोदी शाह के निर्णयों के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा में खड़े किए गए भाजपा प्रत्याशियों के लिए इन विचारों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मोदी शाह ने आरएसएस की चेतावनी को दरकिनार करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक नया प्रयोग किया। वहां के विधानसभा और जिला स्तरीय नेताओं की महत्ता को दरकिनार करते हुए भाजपा ने अपने सांसदों को ही विधानसभा के टिकट दे दिए। मध्य प्रदेश में भी ये विचार पसंद नहीं किया गया था। राजस्थान में तो इस निर्णय के खिलाफ स्थानीय पदाधिकारियों ने बगावत का बिगुल ही फूंक दिया। राजस्थान में भाजपा ने अपनी पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट दिए। 7ों की स्थिति शुरुआती दौर में जबरदस्त खराब थी और अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं दिखा जा रहा है। इन विधानसभाओं के स्थानीय भाजपा नेताओं ने इनकी जीत की संभावनाओं को खटाई में डाल दिया है। इन्हीं में से एक सांसद हैं जालौर के सांसद देवजी पटेल। अकर्मण्यता और अहंकार के आरोपों से घिरे देवजी पटेल के खिलाफ इनके संसदीय क्षेत्र के जालौर और सिरोही जिले में जबरदस्त विरोध है। इन्हें भाजपा हाईकमान ने सांचौर विधानसभा से टिकट दे दिया। इनके खिलाफ भाजपा के स्थानीय नेता जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। जीवाराम चौधरी ने देवजी पटेल के सामने 6 नवंबर को निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के लिए जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने सांचौर में 36 कौम की एक महासभा महापंचायत रखकर जनसमर्थन जुटाया था, जिसमें ये निर्णय लिया जाना था कि जीवाराम चौधरी पार्टी हाईकमान के निर्णय के खिलाफ खड़ा हुए या नहीं हुए। इसी महापंचायत के पांडाल में दीनदयाल उपाध्याय का वो विचार पहली बार सामने आया जो उनकी पॉलिटिकल डायरी में लिखा है। यही कोट अब सिरोही विधानसभा में भाजपा के बागी हेमंत पुरोहित भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
यहाँ पर तमाम विरोधों के बाद भी ओटाराम देवासी को जातिगत आधार पर भाजपा ने चौथी बार टिकट दिया, जबकि वो पिछली चुनाव में हार चुके थे। जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी की महापंचायत में पांडाल के हर बांस पर उनकी पॉलिटिकल डायरी का विचार लिखा हुआ था। सांचौर की महासभा के पांडाल के हर बांस पर जो बैनर टंगा था, उस पर जो लिखा था उसके अनुसार, कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसा व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाताओं का कर्तव्य है। और इसके नीचे लिखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉलिटिकल डायरी, पृष्ठ संख्या 151, 11 दिसंबर 1961। तो क्या वाकई ऐसी कोई किताब है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा कहा है? तो किसके संदर्भ में कहा है? क्योंकि उस समय भाजपा तो थी नहीं और जनसंघ का भी कोई महत्व नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय के जिस वक्तव्य को सांचौर से सिरोही तक भाजपा के बागी मतदाताओं के ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लेखों के संग्रह का हिस्सा है। इसका नाम रखा गया था पॉलिटिकल डायरी। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आकस्मिक निधन के बाद आरएसएस के तत्कालीन सरसंचालक बाला साहब देवरस ने इसे लिखवाया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसे लिखने का अनुरोध उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर संपूर्णानंद से किया था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लेखों का एक संकलन तैयार किया। इसका नाम ही रखा गया था पॉलिटिकल डायरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस कोट का इस्तेमाल सांचौर से सिरोही भाजपा प्रत्याशियों के विरोध में नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा के बागी कर रहे हैं, वो लेख इसी पॉलिटिकल डायरी के संसदीय जनतंत्र पर लिखे आलेखों के संग्रह के रूप में पृष्ठ संख्या 151 से 154 तक के बीच में प्रकाशित है। इस लेख का शीर्षक है, आपका मत, प्रत्याशी, दल और सिद्धांत सभी महत्वपूर्ण। ये लेख ऑर्गेनाइजर में 11 दिसंबर 1961 में प्रकाशित हुआ था। सांचौर और सिरोही में भाजपा के बागियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पंक्तियां इसी लेख के पहले पैराग्राफ की छठी पंक्ति से शुरू होती है। ये लेख मूलतः उस समय चरम पर रही राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में व्याप्त व्याधियों के बारे में लिखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक ये व्याधियां भाजपा को छू नहीं पाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की भाजपा में वो सारी बुराइयां स्पष्ट नजर आ रही हैं जिनकी खिलाफत पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय अपने लेखों के माध्यम से करते हुए जनसंघ को पार्टी विद डिफरेंस बताते रहे। जिस वक्तव्य का इस्तेमाल अब किया जा रहा है वो इसी लेख के प्रथम पैराग्राफ का हिस्सा है। ये मूल रूप से कुछ यूं है कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। बुरा बुरा ही है और दुष्ट वायु की कहावत की भांति वह कहीं और किसी का भी हित नहीं कर सकता। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा या नेक नियति बरतते हुए भी वह निर्णय में भूल कर गया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारना उत्तरदायी मतदाता का कर्तव्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1961 में जिस बात का जिक्र अपने लेख के माध्यम से किया, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खुद ऐसा कर भी चुके हैं। आलोक मेहता अपनी पुस्तक राव के बाद कौन में इस तरह के वाकये का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 1952 में भारत के पहले चुनावों के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने गए थे। उस समय मंच पर किसी ने उन्हें बताया कि कांग्रेस के जिस प्रत्याशी के लिए वो जनसभा करने आए हैं वो प्रत्याशी भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता है। ये जानने के बाद गुस्साए नेहरू ने मंच से ही कहा कि हमने प्रत्याशी को टिकट देने में चूक कर दी है, प्रत्याशी ने अपनी जानकारी हमसे छुपाई, ऐसे में जनता कांग्रेस के इस प्रत्याशी को वोट नहीं देकर कांग्रेस की गलती को सुधार दे। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं का वाकई नेहरू और उपाध्याय के सिद्धांतों में विश्वास है तो उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर फोटो लगाकर फूलों की श्रद्धांजलि अर्पित करने की बजाय उनके लेखों को पढ़ना चाहिए,
ताकि भारत की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में वर्तमान सिद्धांतों के कारण भारतीय राजनीति में भंग हुई शुचिता को फिर से स्थापित किया जा सके। धन्यवाद।